26 जनवरी को काशगंज उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है अब्दुल हमीद चौरस्ते पे झंडा लगाने जा रहे, झंडा तिरंगा लहराने जा रहे, गरीब मुसलमान सब पैसे दिए दो दो चंदा करे भाई लगाना है आज यौमे जमहूरिया है, तो अचानक वहां पर एबीवीपी का जुलूस आ गया। अब आप देखिए फर्क देखिए, हम तिरंगा लहरा रहे उनके हाथ में तिरंगा भी है और भगवान भी, हमारे हाथ में क्या है ओनली तिरंगा। आए और आके बोले हटाओ कुर्सियों को, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, आईजीपी ध्रुवा कांत ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि मुसलमान अपना झंडा लहरा हिंदुस्तान का झंडा लहराने जा रहे थे, अचानक ये लोग जुलूस में आए और आकर बोले कि जाएंगे तो यहां से जाएंगे, हिंदुस्तान में जिंदा रहना है तो फुला फुला बोलना पड़ेगा, मुंह में गैलरी बगल में पान, तुम भागो मुल्ला पाकिस्तान का नारा लगाए, नारा लगाए, वीडियो है उसका देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हम ये पूछना चाहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप तो एनसीसी के बच्चों से कहा कि इख्तलाफ हो सकता है मगर यूनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो पर ये यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? ये पूरे के पूरे तो आपके लोग हैं ना, ये आपकी सोच के हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लोग हैं जो हमको तिरंगा लहराने भी नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और सरकार सो रही थी, योगी सरकार सो रही थी, जुलूस बाजाब्ता वहां पर आया, जब वहां से चले गए तो रीग्रुप होकर आकर गड़बड़ की और नतीजे में क्या हुआ, एक मासूम बच्चे की जान चले गई जिसका नाम चंदन गुप्ता था। मैं मजम्मत करता हूं इस बच्चे की मौत पर, यकीनन उसकी मां की तकलीफ का अंदाजा कोई नहीं कर सकता जिसने अपने बेटे को खोया होगा। मैं मजम्मत करता हूं कि एक नौशाद, एक लेबर को, एक गरीब आदमी को, मजदूर को पैर में गोली लगी और मोहम्मद अकरम जो गाड़ी में जा रहा था, उसकी बीवी हामिला है, उसकी गाड़ी में इतना मारा कि उसकी आंख, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी एक आंख चले जा सकती है। अब बताइए फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्र आपका है मिस्टर मोदी, क्यों आपकी सरकार सो रही थी काशगंज में? कोई जवाब नहीं है। और मैं हमारे टीवी चैनलों से बोलूंगा, खुदा के लिए इतने मोदी भट्ट क्यों बन गए आप? कोई तिरंगे को रोक नहीं रहा था बल्कि हमको तिरंगा लहराने से रोका जा रहा था। और हम कौन है सुनो टीवी वालों, तुम जिसकी आज चमचागिरी कर रहे हो, तुम जिसके आज पैरों को चाट रहे हो, सुनो ये तिरंगा बनाने वाला भी एक मुसलमान था। तुम जिसकी आज तारीफ करने से थकते नहीं, सुनो संघ परिवार हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आरएसएस के गोलवालकर हेगडेवर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, हमने लड़ी, जिहाद का फतवा दिया और सियाई सुखने से पहले हमने कहा कि पहले हम कुर्बानी देंगे। हमारे उलमाओं ने काला पानी की सजा काटी, अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह छह मरतबा अंग्रेजों से माफी का खत नहीं लिखा, बल्कि अल्लामा फजल खैराबादी और दीगर उलमा ने कहा कि अंग्रेज सरकार या तो तू हिंदुस्तान छोड़कर जाएगा या फिर हम अपनी मौत को, अपने फांसी का फंदे को चूमकर मौत को अपना लें। अच्छा पाकर देशभक्ति हमको सिखा रहे, अरे हिंदुस्तान के खबरस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां है कि दुनिया में रहे तो हिंदुस्तान की अमन और एकजहती और उसकी मजबूती के लिए हमने काम किया, उसकी सरहदों के लिए हिफाजत का काम किया, अरे मर भी गए तो सीना तान कर अपने मुल्क में सो रहे हैं। ये खबरस्तान भी हमारे वफादारियों की निशानियां है मिस्टर मोदी, इसीलिए आपने कहा था खबरस्तान और शमशान। मेरे भाई ये हालात आज हमारे मुल्क के हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में मैंने उस दिन जो मंजर देखा, ऐसा नजर आ रहा था कि 6 दिसंबर मेरे सामने हो रही। बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ,
T20 है, आखिरी के 3 गोले इंपॉर्टेंट है, बैठे। ऐसा नजर आ रहा था कि 6 दिसंबर का मंजर पेश कर रहा था कि कैसे हमारी मस्जिद की ईंट से ईंट शहीद कर दी गई थी। कोई सुनने तैयार नहीं है, मैं सबके पास गया। मौलाना उमरैन गवाही दे सकते कि बरसल्ला बोर्ड ने पूरे एमपी को ईमेल किया कि गलत है, गैर दस्तूरी है, शरीयत के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है, मगर कोई नहीं। मैं अपनी जानिब से हर सेकुलर पार्टी के लीडरों के पास जाकर कहा कि भाई साहब देखो गलत है, देखो बहन गलत है, मगर सब खामोश बैठे थे। क्यों खामोश बैठे थे मालूम आपको? इसलिए खामोश बैठे थे कि अगर तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी शरीयत की हिफाजत करेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। आज हमारा मौकफ हो और वो जो हिंदुस्तान की लोकसभा में जो 4% मुसलमान चुनकर आए, उन 4% में सिर्फ 4 ने मुखालिफत की। असदुद्दीन ओवैसी ने, मुस्लिम लीग के 2 एमपी ने और AIADMK के एक मुस्लिम एमपी ने, दूसरे एमपी तो मुई ने खोले। पूछो जाके उन सेकुलर पार्टियों से जो हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते, उन्हें वहां जाता, उन्हें काटता, उन्हें फुला करता, ये करता। अरे मैं कुछ भी होऊंगा, मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी हूं, मगर खुदा की कसम मेरे आमाल अच्छे नहीं हो सकते, मैं अच्छे भी नहीं होंगे, मगर जब बात अल्लाह उसके रसूल की कानून की आ गई तो मैं गूंगों की तरह खामोश नहीं बैठूंगा इंशाअल्लाह। क्या फायदा तुमको अल्लाह ने कामयाब किया, तुम कामयाब होकर लोकसभा में गए तो अल्लाह ने किया, तुम्हारी पार्टी ने नहीं किया। क्या फायदा तुम्हारी मौजूदगी का, क्या फायदा तुम्हारे वजूद का, क्या फायदा तुम्हारी जबान का, क्या फायदा तुम्हारी काबिलियत का कि जब तुम्हारी शरीयत के खिलाफ कानून बनाया जा रहा था तो तुम अपनी पार्टी के डर से खामोश बैठे थे। अरे कल हशर के मैदान में तुम्हारी पार्टी तुमको आएगी मदद करने के लिए, खबर में क्या तुम्हारी पार्टी आएगी? कब तक तुम गुलामी करोगे इन सेकुलर पार्टियों की? तोड़ दो ये गुलामी की जंजीरों को एक मरतबा, एक नई सियासी हिकमत अमली अपनाओ मेरे भाई। अगर मैं बुरा हूं तो छोड़ दो मुझे, मगर तुम काबिल बनो। अगर मैं अच्छा नहीं हूं तो मुझसे अच्छे को पैदा करो, मगर कम से कम तुम्हारी कोई आवाज तो बने, तुम्हारी शरीयत के खिलाफ कोई आवाज तो उठाए जो तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए मर मिट जाए। और लोग बोलते 5 मिनट में क्या होता, 6 मिनट में क्या होता। प्यारे, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नीलामी हो रही थी तो गरीब औरत भी जा रही थी, लोगों ने कहा कि माई तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्यों जा रही है? तो कहा मैं अपना नाम फेरिस्त में लिखाने जा रही हूं कि कल जब नाम लिखे जाएंगे तो अल्लाह के पास मेरा नाम भी होगा। मैंने कुछ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारी दुआएं हैं, अहले दिल की दुआएं हैं कि अल्लाह ने मेरी जबान को वहां पर मैं अल्लाह के हुक्म से कुछ बोल सका, ये अल्लाह का करम है। वरना मैं क्या मेरे सिया की है हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी इशारा तेरा। मुत्तहिद रहिए, बरसल्ला बोर्ड की कामयाबी के लिए दुआ करिए, बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करिए कि दोबारा हमको बाबरी मस्जिद बनाने का मौका मिले। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।